बहुत शर्मनाक मसला पंजाब में फिर हुआ है। हमारे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले जो वॉरियर्स हैं और जिसमें पंजाब पुलिस एक बहुत नुमाया रोल अदा कर रही है, ये एक सेकेंड इंसिडेंट 40 दिन में हुआ है। छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं। सबसे पहला इंसिडेंट तो सारे देश ने देखा, जहाँ एक सर्विंग पंजाब पुलिस के ASI हरजीत सिंह अपनी ड्यूटी देते हुए उसका हाथ काट दिया गया था। कुछ अंसरों ने हाथ काट दिया और वो कल ही PGI से सर्जरी के बाद अपने घर ही पहुंचे थे। और सारे सूबे में इस बात की खुशी थी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उस ASI को प्रमोट करके सब इंस्पेक्टर कर दिए। और आज ही हमें एक नई जानकारी मिली है कि जलंधर में GT रोड पर, जो रोड जलंधर से अमृतसर को जाती है, वहाँ एक गाड़ी में 2 लोग सवार थे और जब पुलिस ने नाके पर उनको रोकने की कोशिश की और उनसे पास की मंजूरी मांगी कि बताएं कि आपके पास पास है, तो ड्राइवर ने बजाय कि वहाँ नाके पर गाड़ी रोकी जाए, उसने वो जो ASI था ड्यूटी दे रहा उसको साथ ही अपने बॉनेट पर उठाकर लगातार गाड़ी चलाता रहा। आगे जाकर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और एक बेटा और बाप जलंधर के निवासी गिरफ्तार हुए हैं। मेरी विशेष अपील पंजाब के लोगों से है कि पंजाब पुलिस आपकी लड़ाई लड़ रही है, आपको बचाने की लड़ाई लड़ रही है।